हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बर्डिंग मॉम्स नर्चरिंग बेबीज। आज इस वीडियो में मैं 0 to 6 मंथ्स के बच्चों के लिए हमें कौन से टॉयज लेने चाहिए जो कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, उसके बारे में बताऊंगी। दोस्तों, खिलौनों के बारे में बताने से पहले मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि बच्चों का डेवलपमेंट फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है, तो आप बच्चे को जब भी कडल करें, फीड करें, बच्चे को नहलाएं या अपने बच्चे की ऑयल मसाज करें, तो आप बच्चे से खूब सारी बातें करें, लोरी गाएं, गाना गाएं। बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है और वो इसकी ओर आकर्षित होते हैं, खुश होते हैं और स्माइल करते हैं। चलिए, सबसे पहला खिलौना जिसके बारे में मैं बता रही हूँ उसका नाम है बेबी जिम। ये बहुत ही बेहतरीन टॉय है, आप इसको अपने बच्चे के लिए ज़रूर लीजिएगा। इस टॉय के बारे में बताने से पहले ये क्लिप दिखाना चाहूँगी कि 2.5 से 3 महीने से ही बच्चे इस टॉय को कैसे एंजॉय करते हैं। दोस्तों, इस टॉय में बेबी मैट भी है। ये बहुत ही कलरफुल टॉय है और कलरफुल होने की वजह से बच्चों को ये बहुत अपीलिंग लगता है। इस एज में बच्चों का आई विजन 30 सेंटीमीटर तक ही क्लियर होता है, तो इस बेबी जिम में जो ये रैटल्स लगे हुए हैं, ये बहुत ही सही चीज़ है। बच्चे इसको देखते हैं और एक्साइटेड होते हैं, रैटल्स को होल्ड करने की कोशिश करते हैं और साथ ही में वो लेग मूवमेंट करते हैं। तो बच्चों का पैर जब इस पियानो को हिट करता है तो उसमें से अलग अलग तरह का म्यूज़िक बजता है, तो बच्चे और खुश होते हैं। ये बेबी जिम बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इस टॉय से बच्चों की मोटर स्किल डेवलप होती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनता है, बच्चे सोर्स ऑफ साउंड से फैमिलियर होने लगते हैं। दोस्तों, इस टॉय में बेबी मैट भी है। जब भी आप बच्चे को टमी टाइम देते हैं तो उस टाइम बच्चे रैटल को देखते हैं, तो इससे बच्चों का नेक मूवमेंट में भी कंट्रोल बनता है और इस टॉय को आफ्टर 6 मंथ्स भी बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। मेरे बेबी ने इसको 1 ईयर तक इंजॉय किया। आप इस टॉय का आर्क वाला पार्ट निकाल सकते हैं और आप इसको बच्चे के स्ट्रॉलर या झूले में लगा सकते हैं और बाद में तो बच्चे इस आर्क और रैटल्स को लेके खूब मस्ती करते हैं। और अगर आपके पास भी ये टॉय है और आपके बच्चा इसको इंजॉय करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिनके पास ये टॉय नहीं है उनके रेफरेंस के लिए मैंने इस टॉय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉय है बेबी रैटल्स। इस टॉय से बच्चों को किसी चीज़ को होल्ड करने का सेंस डेवलप होता है और बच्चे जब इस रैटल को शेक करते हैं तो उसमें से साउंड आती है, तो बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि मेरे बेबी को नींद आने वाली है, फिर भी इस रैटल को पकड़ के वो कैसे इंजॉय कर रहा है। दोस्तों, और ये हैं हैंगिंग रैटल्स। इसको आप बच्चे के झूले या उसके बेड के ऊपर लगा सकते हैं, बच्चे इसको देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप बच्चे के लिए किसी भी तरह का खिलौना लेते हैं तो आप ध्यान रखें कि उसकी प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि बाद में बच्चे खिलौनों को मुंह में लेने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात कि किसी भी खिलौने में किसी भी तरह का शार्प एजेस या कॉर्नर नहीं होना चाहिए। जो आपका टॉय है वो चारों तरफ से स्मूथ होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉयज की बात करते हैं, ये हैं सॉफ्ट टॉयज। ये टॉयज आपको डिफरेंट टेक्सचर या पैटर्न के लेने चाहिए ताकि बच्चा जब भी इनको टच करे तो वो डिफरेंट टेक्सचर को फील कर सके। इस टॉय को लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि टॉय की क्वालिटी जो हो वो अच्छी हो, उसमें फर ना हो, रेसे ना हो, धागे ना निकले हों, क्योंकि हो सकता है बच्चा जब इससे खेल रहा हो तो गलती से ये धागे वगैरह उसके मुंह में चले जाएं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और नेक्स्ट टॉय है ये कलरफुल बॉल। आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के लिए इसी तरह का ब्राइट कलर के ही आपको कोई भी टॉयज लेने हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, इस पर कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।